Oh my God, it's literally not removing, not budging, not smudging at all. Guys, how are you all? Hope you all are doing great. My name is Shilpa and welcome to my channel. So guys, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो पे ना एक न्यूली लॉन्च्ड आईलाइनर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि होलोग्राफिक आईलाइनर है. सो यस, आई एम सो 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 एक्साइटेड. नाउ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना. नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द इंट्रो. होलोग्राफिक आईलाइनर के बारे में बात करने वाले हैं. ये वीडियो पे मैं आप लोगों को सारे के सारे जो 6 शेड्स है, सारे के सारे शेड्स ही मैंने बाय किया है. ये सारे शेड्स का आप लोगों को स्वॉचेस इन दिस आर्टिफिशियल लाइट एंड ऑल्सो इन द डे लाइट पे स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया हो जाए. उसके साथ साथ ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट, वायर टेस्ट का रिजल्ट भी आप लोगों को ये वीडियो पे देखने को मिलेगा. सो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना. सो इस ब्यूटी ने न्यूली ये होलोग्राफिक आईलाइनर को लॉन्च किया है. इन्होंने यहाँ पे लिखा है होलोग्राफिक आईलाइनर, उसके नीचे लिखा है मल्टीक्रोम इफेक्ट. मल्टीक्रोम आईलाइनर है ऐसा मतलब होलोग्राफिक से ज्यादा, बिकॉज मुझे 2 शेड्स ही नहीं, यहाँ पे 3 शेड्स तक यहाँ पे देखने को मिला है एक आईलाइनर पे. सो दे हैव लॉन्च्ड इन 6 डिफरेंट शेड्स एज यू कैन सी एंड आई हैव ऑल द 6 शेड्स विथ मी. एंड मैंने जब इसको बाय करने गया था ना तो मुझे 2 शेड्स, स्पेशली ये 2 शेड्स ना काफी ज्यादा सिमिलर लगे, बट आफ्टर अप्लाइंग आई सॉ कि थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो शिफ्ट है ना उस पर थोड़ा सा डिफरेंस है. तो ये वीडियो पे मैं वो सब बताने वाली हूँ. पहले बात करते हैं पैकेजिंग की. आई मीन जस्ट लुक एट द पैकेजिंग. द पैकेजिंग लुक सो सो प्रीटी. एंड एक एक आईलाइनर पे जो भी सारे कलर्स देखने को मिलेगा ना, जो भी सारे शिफ्ट देखने को मिलेगा, वो कलर्स आप लोगों को यहाँ पे आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे देखने को मिलेगा. आप लोग देख सकते हो आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा है. एंड आप लोग देख सकते हो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. एंड ईच ऑफ दिस डिटेल्स फॉर 449, बट मुझे ये 350 रुपीज़ पे मिल गया था. येस, एंड कहाँ से मैंने बाय किया है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट पे मिल जाएगा. ठीक है, अगर बात करें तो ईच ऑफ दिस आईलाइनर्स हैज 0.2 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, व्हिच इज आई थिंक रियली रियली लेस. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अगर शेल्फ लाइफ की बात करें तो ईच ऑफ दिस हैज 4 इयर्स, व्हिच इज आई थिंक रियली ग्रेट. एंड पैकेजिंग की तो बात हो गई. आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग के पीछे आप लोग देख सकते हो बैक साइड पे ना सारे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, लाइक द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एवरी सिंगल थिंग इज ऑल्सो मेंशन. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे दीज आर मेड इन हांगकांग. सो या इट्स मेड इन PRC. एंड क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा. सो ये तो रहा आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग की बात. एंड इनर पैकेजिंग आप लोगों को दिखाऊंगी तो इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस. ओ माय गॉड, इनर पैकेजिंग लुक्स सो सो फ्रीकिंग कूल. बट ये इनर पैकेजिंग ना सेम टू सेम एक ब्रांड का कॉपी है. उन लोगों का भी मल्टीक्रोम आईलाइनर है, तो मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी. आई गेस इन लोगों से इंस्पिरेशन लिया है. एंड लिटरली पैकेजिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है इनर पैकेजिंग पे. एंड इनर पैकेजिंग के ऊपर ना ये एक प्लास्टिक का रैपर मिलेगा, उसके ऊपर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस भी मेंशन किया मिल जाएगा. बट इनर पैकेजिंग पे आप लोगों को अंदर यहाँ पे कहीं पे भी आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इवन शेड नेम भी यहाँ पे कहीं पे भी प्रिंटेड नहीं है, विच इज आई थिंक रियली रियली डिसअपॉइंटिंग. मतलब यहाँ पे तो मेंशन करना चाहिए था, लाइक ये पैक ऐसे प्लास्टिक के एक इसके ऊपर एक रैपर था, हम लोग तो रैपर को फेंक ही देंगे. बट सो यस, आई थिंक इट इज लिटिल बी डिसअपॉइंटिंग. बट व्हेन यू ओपन दिस, ये एक रोटेटिंग पैकेजिंग में आता है ना, आप लोग देख सकते हो. मतलब खोलते ही ना आप लोगों को शेप देखने को मिलेगा, लाइक 1 मिल्की वे. एंड आप लोग देख सकते हो इस पे ना व्हाइट से थोड़ा सा पिंक एंड ब्लू पे शेफ्ट देखने को मिलेगा. मैंने आइस पे अप्लाई किया है यहाँ पे. एंड आप लोग देख सकते हो इट लुक्स सो 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 प्रीटी. सो दे हैव क्लेम दैट दीज आर ट्रांसफर प्रूफ, सुपर लॉन्ग लास्ट, ओंट स्मच, ओंट बज, विच इज आई थिंक रियली रियली कूल. तो हम लोग सारी के सारे क्लेम्स को एक एक करके बात करने वाले हैं. पहले आप लोगों को अभी मैं स्वॉचेस दिखाने वाली हूँ इन दिस आर्टिफिशियल लाइट एंड ऑल्सो इन द डे लाइट, सारी के सारे शेड्स. Thank you.
वॉचेस देख ही ले, आई होप यू हैव गॉट द क्लियर आइडिया कि शेड्स कैसा है। अभी अगर स्मच प्रूफ की बात करें, लेट मी जस्ट शो यू, लिटरली मैं यहाँ पे रगड़ रही हूँ, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, मेरे हाथों पे भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। सो यस, ये लिटरली स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ भी है, ट्रांसफर प्रूफ भी है। इसको रिमूव करने के लिए ना, मतलब माइसेल वाटर से उतना इजीली रिमूव नहीं हो रहा था, इसको रिमूव करने के लिए लिटरली क्लिनजिंग बाम की ज़रूरत पड़ी है, विच इज़ आई थिंक रियली कुल बिकॉज इट्स सुपर लॉन्ग लास्टिंग। आई हैव टू से लिटरली ये ना 10 घंटे से भी ज़्यादा देर तक ये स्टे करेगा, विच इज़ आई थिंक रियली रियली अमेजिंग। एंड अभी शादियों का सीजन है, तो आप लोग अगर नॉर्मल आई मेकअप पसंद है, बट आप लोग ऐसे आई लाइनर लगा के, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मुझे लगता है ये सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड दिस इज, मुझे लगता है स्विस ब्यूटी इज़ द फर्स्ट ब्रांड जो इंडिया पर ऐसे होलोग्राफिक आई लाइनर लॉन्च किया है, वो भी इतना ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। लाइक मैंने दूसरे और एक ब्रांड पर देखा था होलोग्राफिक आई लाइनर, बट उसका प्राइस ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा है, लिटरली 900 या फिर 1000 रुपीज़ था। पर स्विस ब्यूटी एंड मार्स कॉस्मेटिक्स, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, ये लोग ही शायद इतने अफोर्डेबल प्राइस पे ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं इंडिया पे। अभी अगर एक एक करके प्रोस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द पैकेजिंग, द पैकेजिंग इज रियली कूल, स्पेशली द आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग मुझे अच्छा लगा, बट मुझे इनर पैकेजिंग भी अच्छा लगा। लाइक ये शिफ्ट देखने को मिला है इनर पैकेजिंग, ऑल दो दूसरे एक इंटरनेशनल ब्रांड का कॉपी है, बट आई थिंक ऐसा कॉपी करना तो बहुत ही अच्छा है ना। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है, एंड ये ऐसा नहीं है, कुछ कुछ आईलाइनर होता है ना सब ब्रेक हो जाता है, बट ये वाला ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका पैकेजिंग, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड ऑल्सो दीज आर सुपर लॉन्ग लास्टिंग, दीज आर स्मच प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ एज वेल। एंड ऑल्सो लुक एट द शिफ्ट्स, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ब्रांड्स बोलते हैं कि होलोग्राफिक आईलाइनर है, मल्टीक्रोम आईलाइनर है, बट शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है, बट हर एक आईलाइनर पे जो भी उन लोगों ने कलर्स दिखा है ना, वो सारे के सारे शिफ्ट्स यहाँ पे देखने को मिला है, विच इज आई थिंक रियली रियली अमेजिंग। मतलब उन्होंने जो भी क्लेम किया है सारे के सारे सही है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी प्राइस पॉइंट, प्राइस इज एक्चुअली क्वाइट अफोर्डेबल कंपेयर टू दूसरा ब्रांड। आई नो कुछ लोग बोलेंगे 445 बहुत ही ज़्यादा है, नहीं गाइस, आप अगर मल्टीक्रोम आईलाइनर या फिर होलोग्राफिक आईलाइनर सर्च करोगे ना, तो आप लोगों को रीज़न देखने को मिलेगा। मतलब एक एक आईलाइनर का प्राइस ना लिटरली 1000 से ज़्यादा है, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड हो या फिर इंडिया पे और एक ब्रांड है जिनका सेम होलोग्राफिक आईलाइनर है, बट उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे लगता है उससे इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो सारे आईलाइनर्स मैंने ट्राई किया है एक या दो, एंड मुझे उससे ये वाला ज़्यादा अच्छा है। ये काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, स्पेशली ये लिक्विड आईलाइनर नहीं है, सिंस इट्स अ पेन आईलाइनर, आप लोग इजीली इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड ऑल्सो दीज आर नॉट इजीली ब्रेकेबल, कुछ कुछ आईलाइनर होता है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, वैसा नहीं है। एंड ऑल्सो दीज आर सुपर पिगमेंटेड, यस दीज आर एक्चुअली क्वाइट पिगमेंटेड आई हैव टू से। अभी अगर कॉन की बात करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई भी कॉन नहीं मिला, बस एक कॉन की जगह। सो इनर पैकेजिंग पे ना उन्होंने कोई भी मतलब शेड नेम, नंबर या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ मेंशन नहीं किया है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। लाइक आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग हम लोग अगर खो देते हैं तो गया, हम लोगों को पता नहीं लगेगा कि कौन सा शेड क्या है। स्पेशली मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशली कोई भी अगर मेकअप लुक मैं क्रिएट करती हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए, कुछ लोग आके पूछते हैं कौन सा शेड है, तो मैं तो आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग ज़्यादातर टाइम पे फेंक देती हूँ या फिर खो देती हूँ, उस टाइम पे मैं बता नहीं सकती कि कौन सा शेड मैंने यूज़ किया है। सो यस, इट इज़ रियली कन्फ्यूजिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना दो शेड्स सिंस सिमिलर है, ये दो शेड्स एंड यहाँ पे और जो दो शेड्स है ना, ये दो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, तो इससे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों को। अगर कोई पूछता है कि कौन सा शेड लगाया है तो मैं तो बता नहीं सकती। सो यस, इट इज़ लिटिल बी डिसअपॉइंटिंग, अदरवाइज दिस आईलाइनर्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड और एक चीज पता है, ये आईलाइनर्स ना ज्यादातर जगह पे स्टॉक आउट हो चुका है। एंड आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो एंड आप लोग अगर बाय करना है तो जरूर मेरे जो मैंने जो लिंक दिया है ना, वहां से जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पे अवेलेबल होगा एंड आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाएगा। सो यस, जरूर चेकआउट जरूर करना। सो गाइज, दैट इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। अभी अगर फाइनल रेटिंग की बात करें तो आई विल रेट दिस आईलाइनर्स 4.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव देम एंड आई वुड हाईली सजेस्ट टू गाइज टू ट्राई दिस। So guys, that is all for today's video. And if you like this video, don't forget to like, share and comment down below your thoughts and opinion. And आप लोग को अगर कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी से आप लोग पूछ सकते हो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन जस्ट नेक्स्ट टू दैट सब्सक्राइब बटन, सो दैट व्हेनेवर आई विल पोस्ट न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड। सो यस गाइज, दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।